सिंह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है मम्मी गार्डन चैनल पर। और आज हम आए हैं फर्न बास्केट के ऑनर के पास। एक्चुअली मैं इंफोसिस में वर्क करता हूँ और साथ में एक्चुअली मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी fernbasket.com, जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं कोई भी मटेरियल। तो उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड बॉक्स बनवाए हैं। अच्छा, ये आपने खुद ने बनवाए हैं? मतलब हाँ, ये बॉक्स अलग से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। किस तरीके से आपको खोलना है इस बॉक्स को, एक सैम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। इसमें जैसे प्लांट आपने ऑर्डर किया, ओके, सो हम उसके बाद उसको डिस्पैच कर देते हैं। तो आपको जैसे इसके अंदर मिलेगा, इधर रबड़ लगा होगा, देन यू हैव टू कट इट। आपको इधर से वो रबड़ काट देना है और जैसे आप नीचे से खोलेंगे, ऊपर से नहीं खोलेंगे, इंस्ट्रक्शन सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर किस तरीके से खोलना है। बिल्कुल। तो जैसे आप ये नीचे से खोलेंगे, आप इसमें से ये प्लांट निकाल, प्लांट एकदम बिल्कुल इसी तरीके से हेल्दी प्लांट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो इसकी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपको ये रेडी टू डिस्प्ले प्लांट है, ना इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली प्लांट 99% प्लांट्स अपने इसलिए मरते हैं क्योंकि हम उसे ढंग से दूसरे में शिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये वाला इशू हमने देखा, देन वी विल इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ मटेरियल की हाँ, मतलब सामने वाले को रेडी टू डिस्प्ले मिले। सेकंड, इसकी जो सॉइल है वो सॉइल ऐसी है कि आपको मतलब ये नॉर्मल सॉइल नहीं है, इसके अंदर एवरीथिंग इज़ मिक्सड अप इन इट। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली आपको 6 months इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप पानी दें, इसके अंदर एवरीथिंग जो भी इसको चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट, मोस्टली प्लांट्स इसलिए मरते हैं कि या तो हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, मोस्टली ज़्यादा पानी देने से, कम पानी मोस्टली जो प्लांट लवर्स हैं वो नहीं देते, ज़्यादा पानी देने से मरते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा पानी जैसे ही दोगे वो नीचे आ जाएगा, तो पानी आपका ज़्यादा पानी रह ही नहीं सकता उसके अंदर। तो जो जिसको जितना पानी चाहिएगा वो उतना ही पानी रहेगा, और जैसी पानी की कमी होगी वो नीचे से एब्जॉर्ब करके अपने आप पानी, क्योंकि मोस्टली प्लांट है वो ऊपर से कभी पानी नहीं लेता, वो रूट से ही पानी लेता है। तो जितनी इसको रूट को पानी चाहिएगा वो अपने आप रूट ले लेगी नीचे से। तो आपका प्लांट मरने के चांसेस हमने 99% तक कम कर दिए। बाकी उसके अलावा अगर कभी होता है बाय चांस कि हम हो जाता है, लेकिन आपका मोस्टली 99% चांस है कि आपका प्लांट नहीं मरेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम fernbasket.com। ओके ओके, तो मतलब आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, पानी से लेके खाद, मतलब एक प्लांट को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो सारी की सारी आपको यहाँ से रेडी मिलती है। और मेरे ख्याल से शायद किसी को कोई समस्या है तो वो आपको कॉल भी करके कॉल कर सकता है आराम से। हमारे कस्टमर केयर ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसकी दूसरी बात, जैसे आप मम्मी गार्डन को तो हमेशा फॉलो कर ही रहे होंगे, उसमें नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ आप एक फर्न बास्केट का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कीजिए, उसमें सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो गाइज, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको इंस्टाग्राम का, और आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब हम काफ़ी सारी वीडियोज़ इनके साथ शूट करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास में। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली प्लांट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि यार कि इस प्लांट को कैसे टेक केयर करना है, तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए। अगर प्लांट कुछ भी परचेज नहीं करना मत कीजिए, लेकिन उसके हर एक प्लांट के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि उसको कितना पानी देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। तो आप उधर से अपने जो प्लांट्स ऑलरेडी आपके पास हैं उनकी टेक केयर कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब ये तो आपको एक तरीके से फ्री में बहुत अच्छी टिप हो गई है। और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ये पता नहीं होता मेन प्लांट में किसको पानी कितना देना है, और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो पानी की है प्लांट्स के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी उस वेबसाइट पे, आप विजिट कीजिए, एज अ ब्लॉग विजिट कीजिए, कुछ भी विजिट कीजिए, उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है। हर प्लांट की डिटेल अवेलेबल है कि उसको कहा क्या जाता है, नाम क्या बोला जाता है, सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच मम्मी गार्डन कि आपने हमें मतलब इतने सारे लोगों से अवगत कराया। ये छोटा लिसोड़ा था और ये बड़ा लिसोड़ा, अब इसमें बी शेप की ग्राफ्टिंग की तो 2 साल से ये फ्रूटिंग दे रहा है। मतलब इसमें ये यहाँ तक तो इसका खुद का था, फिर उसके बाद आपने इसको जोड़ के दूसरा लगा उस बड़े में से। अच्छा, बड़े में से। और 2 सीजन इसमें फ्रूटिंग आती है। अच्छा, अब दोनों प्लांट्स की आ रही है, नीचे वाले की भी आ रही है और ऊपर वाले की। नीचे वाले की तो फिनिश है, नीचे अच्छा। वाले को नहीं पनपने देते, यदि नीचे वाला पनपेगा तो ऊपर वाला सूख जाएगा। ओके ओके, इसलिए ये नीचे वाले को हमें ड्रॉप करना है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं है ये, वेस्ट क्वालिटी का वो ओके ओके फ्रूट है। ठीक
ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज हमने भागीरथ जी से मिले और आनंद जी से मिले। तो मतलब आप इनको देख के ये कह सकते हैं कि एक के पास में एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है, और दोनों उन दोनों चीज़ों को मिला के और जो मिक्सअप तैयार किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। तो आगे भी आपको इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा और इनकी टेक्नोलॉजी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियो इसी तरीके से पसंद आ रहे हैं तो मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।